मसीह यीशु में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों सबों को मसीही नमस्कार। यीशु सहाय। मैं बिशप जॉनसन लकड़ा, हेडक्वार्टर कंग्रीगेशन जीएल चर्च रांची झारखंड, सबों को आज के जुवा रविवार के ऑनलाइन चर्च सर्विस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मनली और कलिसिया के जवान युवतियों को, जो मनली और कलिसिया के खूंटा और खम्भा स्तंभ हैं, आह्वान करता हूँ आप अपनी जवानी के समय को मसीह की संगति में व्यतीत कीजिए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कीजिए। आज के जुवा रविवार की ऑनलाइन चर्च सर्विस में संचालन के लिए मैं जुआओं को आज का कार्यभार सौंपता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। यीशु सहाय। आज की युवा रविवार की आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की आराधना आरंभ करते हुए सबसे पहले आह्वान वचन पढ़ा जाएगा। आज का ठहराया हुआ आह्वान वचन हमें मिलता है भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 9। भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। अभी कोयर की अगुवाई में एक विशेष गीत गाया जाएगा जिसके बोल है, सोप नाम से यीशु नाम सुंदर लगेला। You.
मिलकर साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 102, साक्षी वाणी गीत संख्या 102, 102, ईशु क्या ही प्यारा मित्र। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम घुटने टेक कर ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेकर यूं कहे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Christ, help us.
धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु मंडली के संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा को हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुँच कर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभी पाठ वचन पढ़ा जाएगा। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन हमें मिलता है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र किस्तानी कलिशा, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अभी प्रतिवाद किया जाएगा। हम प्रतिवाद करें। अगवा के स्थान पर मैं बोलूंगा और स्क्रीन पर दिए गए मंडली के स्थान पर आप सभी। जो परम प्रधान के छायव स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मंडली बैठे, अभी कोयर की अगुवाई में एक विशेष गीत गाया जाएगा, जिसके बोल है, प्रेम प्रेम कहे ना दुनिया में नहीं रे। प्रेम प्रेम कहे ना दुनिया में नहीं रे, प्रेम प्रेम
वचन में जाने से पहले आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हमें से हर एक कोई जो यहाँ पर आ पाए हैं, जो परमेश्वर पिता उपस्थित है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, अभी जब हम वचन में जाते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, इस वचन को बोलने में, इस वचन को समझाने में परमेश्वर पिता आप ही मेरी अगुवाई कीजिए। और जितने लोग परमेश्वर पिता सुनते हैं पिता, उन पर भी अनुग्रह कर, उनके मन हृदय को तैयार कर कि ये जो वचन मेरे माध्यम से उनके हृदय में बोया जाएगा वो फल लाने वाला होने को पाए, और उस फल से परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने को पाए। हे परमेश्वर पिता, अपनी सारी कमजोरियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप ही अनुग्रह कर और हम मुझे चला कि मैं आपके वचन को अच्छे से बता पाऊँ। हाँ परमेश्वर पिता, आप ही अनुग्रह कर हम में से हर एक पर। सब बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के लिए जो वचन लिया गया है वो हमें मिलता है लुका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 25 से लेकर 27 तक। लुका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 25 से 27 पद तक, उसमें ऐसा लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख
और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उन्होंने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। इस वचन को हम सभी जानते हैं, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन वचन को पढ़ते रहने से नई नई बातें, वचन का नया नया अर्थ हम और भी बेहतर रीति से जान पाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और जैसे जैसे हम वचन पढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोलता चला जाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से जान सकें, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर ने क्या कहा है, उसे हम जान सकें। ये जो दयालु सामरी का दृष्टांत है, इसे प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यवस्थापक से कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे, और जो लोग परमेश्वर के लोग होते हैं, जब वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोलता है, ताकि वे लोग उसके दृष्टांतों को समझ सकें। आज के इस वचन को हम 2 भागों में करके देखेंगे। पहला भाग, जब यीशु और व्यवस्थापक आपस में बातचीत करते हैं, ये भाग हम लोगों को परमेश्वर के प्रेम को दिखलाता है, कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और दूसरा भाग जो दयालु सामरी का दृष्टांत है, उसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों के बारे, उसने क्या दिया है, अपने दूसरे आगमन के बारे कहा है। तो चलिए हम पहले भाग को देखते हैं। पहले भाग में हम देखते हैं कि व्यवस्थापक यीशु मसीह की परीक्षा करना चाहता है, इसलिए वो पूछता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन यीशु मसीह जिसने संसार को बनाया है, हमेशा हर एक को बनाया है, इस पृथ्वी को रचा है, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जिसने सब कुछ बनाया, बुद्धि समझ उसकी रचना है। इसलिए वचन में कहता है कि वो बुद्धिमानों को उसकी बुद्धि में फंसा देता है और चतुरों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। तो जैसे ही ये व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह जानते थे कि वो व्यवस्थापक है, उसने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, तू कैसे पढ़ता है? तो 27वें पद में व्यवस्थापक का जवाब आता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्यवस्थापक ने जो 27वें पद में जो जवाब दिया, सबसे पहले कहता है कि हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, और उसके बाद अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और हम लोग जानते हैं कि हमें बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, और अगर हम आपस में प्रेम नहीं रखते हैं तो
तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, तो हम परमेश्वर से प्रेम कैसे रखते हैं? बाइबल हमें ये बात बताती है कि जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, परमेश्वर ने जैसा कहा है हम वैसा करते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और परमेश्वर की बातें क्या हैं? ये जो बाइबल में लिखी हुई है, नया नियम और पुराना नियम, ये परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने हम में से हर एक से कही है, परमेश्वर की आज्ञाएं जो 10 आज्ञा के रूप में है, अगर हम उसे मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करके नाश ना हो। ये परमेश्वर का प्रेम है कि जब हम पाप में थे तब उसने हम में से हर एक को पाप से बचाने के लिए हमारे लिए उपाय किए कि हम पाप में फंस कर नष्ट ना हो जाए, अनंत काल तक हम दुख ना भोगते रहे। इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए एक उपाय निकाला। लेकिन हम कैसे परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाते हैं? परमेश्वर के इस वचन को पढ़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमारा प्रेम सिद्ध होता चला जाता है। तब परमेश्वर जानता है कि हम उसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया था उसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। जो रीति नियम और कानून थे वे मनुष्यों का उद्धार ना कर सके। इसलिए पहला सामुएल 15:22 में वचन हमें लिखता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर लोग देखते हैं कि यहोवा होम बलि मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन अगर हम उनकी बातों को माने जो परमेश्वर ने इस बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे वो क्या बातें हैं, और जब उनको मानेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और बलि चढ़ाने से उत्तम कान लगाना होता है। अगर परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें लिखी है, अगर हम ध्यान से उसको सुने तो वो परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर की बातों और आज्ञाओं को जानने के लिए जरूरी है कि हम बाइबल पढ़ें और जानें। और जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते जाएंगे, हम परमेश्वर की बातों को आज्ञाओं को समझने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी बुद्धि को हमारी समझ को खोलता चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की नज़रें सारी सृष्टि पर फिरती है ताकि वो अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढ सके जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को पढ़ेंगे, जब उन्हें मानेंगे, उन्हें बार बार पढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमारी बुद्धि को हमारी समझ को खोल देता है ताकि हम उससे जान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और परमेश्वर हमारी आज्ञाओं, परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं जो हमारे मानने के लिए रखी है, अगर हम उसे मानते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों को देता है। और अगर हम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का क्रोध श्राप की बातें हमारे ऊपर आती है। अगर हम लय व्यवस्था की पुस्तक में देखेंगे 26वां अध्याय, तो 1 पद से लेकर 13 पद तक हम लोग परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं। और लय व्यवस्था 26वां पद 14 से 39 पद तक हम लोग परमेश्वर के श्रापों को देखते हैं, जिसे परमेश्वर ने खोल कर हमारे सामने रख दिया है कि अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो हमारे लिए आशीष है, और हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तो हमारे लिए भयंकर श्राप इंतजार कर रहा है जो हमारे जीवन के लिए रखा हुआ है। और अगर वो हम पर आते हैं तो हम लोग अनंत काल तक दुख में रहेंगे। और जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो हमें आशीष देते हैं और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरे करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमें अपनी आत्मिक आशीषों से नवाजते हैं। अगर हम लोग बात करें आशीषें, तो क्या होती है परमेश्वर की आशीषें? क्या वो घर जिसमें हम रहते हैं, वो नौकरी जो हम करते हैं, वो धन संपत्ति जो हम कमाते हैं, ये हमारे पुरखा हमारे लिए छोड़ करके जाते हैं, क्या ये
केवल इतने ही है परमेश्वर के आशीष है? क्या परमेश्वर इतना ही देता है? नहीं, ये सब पृथ्वी की वस्तुएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित है, और परमेश्वर ये हमें इसलिए देता है क्योंकि हमें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। जैसा परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में कहता है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर इन सभी धन को, नौकरी को, घर को, ये सब भौतिक वस्तुएं जो हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, परमेश्वर इन सभी को एक वस्तु करके संबोधित करता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी और इन वस्तुओं की जरूरत हमें सिर्फ इस पृथ्वी पर की है। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर जो आशीष देता है वो हमारे आत्मा में देता है और वो सदा सर्वदा तक रहती है, क्योंकि ये नौकरी है एक दिन खत्म हो जाएगा, ये जो घर है, ये धन दौलत जो है वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की जो आशीषें रहती है वो आत्मिक रहती है और वो सदा तक रहती है, सर्वदा तक रहती है। तो क्या है परमेश्वर की आशीषें? परमेश्वर की आशीषें वो है जो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें देता है। जब हम लोग इस जगत में भी नहीं थे तब से वो हमारे लिए अनुग्रह पर अनुग्रह करता आया है। जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, हम मनुष्यों को रचा कि हम लोग इस पृथ्वी पर फले फूले और बढ़ जाए, लेकिन मनुष्य जाति पाप में गिर गया, तो परमेश्वर अनुग्रह किया मनुष्यों पर, हम में से हर एक पर, और प्रभु यीशु मसीह को भेजा। ये है परमेश्वर की आशीष कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए पृथ्वी पर आया। अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हम पापियों के लिए अपना लहू बहाया जो अनंत काल तक हमारे पापों को धोती रहती है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग जब तक इस शरीर में हैं जान से अनजान से हमारे द्वारा पाप होते चला जाता है, मन से, विचार से, कर्म से, बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है, उसके द्वारा भी पाप होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमारे सब पापों से हमें धोता और शुद्ध करता है। ये है परमेश्वर की आशीष जो वो हमें देता है, हमारे पापों से हमारा उद्धार कराया, ये है परमेश्वर की आशीष जो उसने हमारे लिए दी है। परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें से हर एक को ग्रहण किया है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बने। प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें से हर एक को अपने राज्य में ग्रहण किया है ताकि हम उसके साथ अनंत काल तक रहें। ये सब है परमेश्वर की आशीष है जो अनंत काल तक है, जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो बनी रहती है। परमेश्वर ये आशीषें हमें देता है जो हमारे अंदर काम करती है। परमेश्वर की आशीषें जो जिसे हम आत्मा के फल के रूप में देखते हैं, जो हमारी आत्मा में रहती है, गलाती 5:22 में प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये क्या है? ये सभी परमेश्वर की विशेषताएं हैं जो परमेश्वर में मौजूद है और वो चाहता है कि ये विशेषताएं हमारे अंदर रहे, इसलिए वो हमें आशीष के रूप में ये सब देता है ताकि वो जैसा है हम भी वैसा ही बने और उसके साथ रहे। इसके साथ परमेश्वर हमें पवित्रता और धार्मिकता के कपड़े ओढ़ाता है, क्योंकि मनुष्य जाति पाप में गिरने के कारण परमेश्वर से दूर हो गई है और परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में पवित्रता और धार्मिकता के कपड़े पहनाए हैं ताकि हमारे पाप छिप जाए, हमारी जो लज्जा की बात है वो हमसे छिप जाए और परमेश्वर जब हमें देखे तो वो हमें एक धर्मी के रूप में देखे, एक पवित्रता के रूप में देखे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए जितना अच्छा है, परमेश्वर हमसे जितना प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार कोई है जो हमसे नफरत भी करता है और नहीं चाहता है कि ये पवित्रता, ये धार्मिकता, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को ढाप देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को ढाप देता है,
वो हमें पवित्र करता है, धर्मी बनाता है, और जो हम पाप कर चुके हैं उसे वो भूल जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये है परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और साथ में अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। तो फिर जब हम आगे वचन में बढ़ते हैं तो जो व्यवस्थापक है वो यीशु मसीह से फिर पूछता है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हम कैसे जाने कि कौन हमारा पड़ोसी है? क्या वे जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, या हमारे घर वाले लोग, या हमारे दूर के रिश्तेदार लोग, कौन है हमारे पड़ोसी? तब प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं, एक दयालु सामरी का दृष्टांत देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, कुछ डाकुओं ने उसे अकेला पाकर लूट लिया, उसे कपड़े ले लिए, उसे अधमरा छोड़ दिया, और फिर एक याजक उस रास्ते से जा रहा था लेकिन उसे कतरा कर चला गया, एक लेवी उस रास्ते से जा रहा था वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, लेकिन एक सामरी उस रास्ते पर जा रहा था वो उसे देखता है, उस पर तरस खाता है, उसे घाव पर दाखरस डालता है, तेल लगाता है, और उसे उठाकर सराय में ले जाता है, उसकी सेवा करता है। तो ये जो दृष्टांत है इससे हम क्या समझते हैं? इस दृष्टांत को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक मनुष्य जो चला जा रहा था अपने मार्ग पर, तो हम लोग उससे ऐसा कह सकते हैं कि एक मनुष्य जो जीवन के मार्ग पर चला जा रहा था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो अकेला था, मतलब वो परमेश्वर से दूर था, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं था, वचन से दूर था, परमेश्वर को नहीं जानता था। और जो डाकू जो उसे घायल कर देते हैं, उसे कपड़े ले जाते हैं, हम लोग उसे शैतान से संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि शैतान भी छिपकर वार करता है, अंधेरे में रहता है, घात करता है, जैसा यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के और घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शैतान का काम चोर का है, डाकू का है, वो घात करने और नष्ट करने आता है, जैसा उसने यहाँ पर उस यात्री के साथ किया। हम सभी अपने अपने जीवन के मार्ग में चले जाते हैं और शैतान इस ताक में रहता है कि वो किसे घायल करे, किसे घात करे और अधमरा करके छोड़ दे। और यहाँ हम देखते हैं कि वो डाकू, वो जो दुष्ट रहता है, शैतान रहता है, उस व्यक्ति के कपड़े ले लेता है। ये वो कपड़े जो परमेश्वर हमें पहनाता है, धार्मिकता के कपड़े, पवित्रता के कपड़े, वो आशीष जो परमेश्वर हमें देता है वो शैतान हमसे छीन लेता है। वो इसलिए छीनता है क्योंकि वो अकेला है, उसे पास उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। और लेकिन जो लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। भजन संहिता 121 में परमेश्वर का वचन कहता है, सुन इसराइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला हो तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, और जब उस व्यक्ति के कपड़े छिन जाते हैं तब उसे शर्म आती है, क्योंकि उसकी लज्जा को जो वस्त्र ढापे हुए था वो उसे छिन जाता है। शैतान इसी तरीके से काम करता है, वो हमारे धार्मिकता के वस्त्र को, वो हमारे पवित्रता को, हमारी आशीषों को हमसे छीन लेता है, और हमारे पाप, वो गलतियाँ, वो अपराध जो हमने किए हैं उसे हमारे सामने लेकर के आता है, और फिर हमें शर्म आने लगते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम नकारात्मक हो जाते हैं, हमारी आशा खत्म हो जाती है।
और जैसा हम लोग देखते हैं कि एक याजक आया और वहां से कतरा कर चला गया। एक याजक कौन था, क्या काम करता है याजक? याजक अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो वो मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में काम करता है। वो मनुष्यों के पापों को लेकर परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है और परमेश्वर क्षमा करता है। लेकिन व्यवस्था मनुष्यों को नया जीवन नहीं दे सकी, वो उस घायल व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकी, मनुष्य जाति के लिए कुछ नहीं कर सका, वो मनुष्यों को फिर से नहीं जिला सका। फिर वो देखते एक लेवी, जो अब लेवी क्या होता है, लेवी वो वंश है जो मंदिर में सेवा टहल के काम किया करते थे। तो लेवी के पास भी मनुष्यों को देने के लिए कुछ नहीं था, वो मनुष्यों में नया जीवन नहीं ला सकते थे। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सामरी यात्री आता है। इस सामरी यात्री को हम लोग प्रभु यीशु मसीह से संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि ये सामरी यात्री उस घायल यात्री को जो अकेला था उस पर दया करता है, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दया किया इस पृथ्वी पर आया। उस सामरी यात्री ने दाखरस और तेल उंडेला। तो ये दाखरस क्या है? ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे उद्धार के लिए बहाया गया, जो हमारे लिए नया जीवन के लिए बहाया गया। ये वो नई वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बांधा, ताकि उस नई वाचा के द्वारा हमारा उद्धार हो सके। और वो तेल ये अभिषेक का तेल है जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया गया है, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण होकर चल सके और परमेश्वर के राज तक पहुँच सके। और प्रभु यीशु मसीह हमारे घावों को, हमारे पापों को के उद्धार के लिए काम किया और छोड़कर नहीं चला गया, उस मनुष्य को उठाया और सराय में ले गया। वो उसी रास्ते में उसे नहीं छोड़ा, लेकिन उसे उठाकर उस सराय में ले गया। और ये सराय को हम लोग एक कलीसिया से संबोधित कर सकते हैं। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो सामरी यात्री, वो यीशु मसीह उस व्यक्ति को, मनुष्य जाति को वहीं पर नहीं छोड़ देता, लेकिन उठाकर सराय में ले जाता है, अपनी कलीसिया में ले जाता है। और यीशु मसीह फिर वहां से लौटना चाहता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो स्वर्ग को लौट गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस उंडेला, तेल उंडेला, अपना लहू बहाया, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में आया, फिर वो स्वर्ग को चला जाता है। और 2 दिनार दिए, मतलब कि उसने प्रबंध करके गया कि मेरे लौटने तक ये तुम्हारे लिए काफी होगा। ये 2 दिनार को हम लोग बोल सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन, नया नियम और पुराना नियम जो उसने दिया, कि ये 2 वचन हैं, इसे पढ़ो, इसे समझो, ताकि मेरे आने तक तुम लोग दृढ़ हो जाओ, जान सको मुझे, और जब मैं आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह जो लौट करके आएगा वो हम लोग उसे दूसरे आगमन कह सकते हैं। तो इस तरीके से प्रभु ने इस दृष्टांत में अपने पृथ्वी पर आने को, अपने लहू बहाने को, पवित्र आत्मा देने को, कलीसिया को जोड़ने को, एक दूसरे की मदद करने को, अपने लौट कर वापस जाने को, और जब तक वो वापस नहीं आ जाता है हमारे लिए प्रबंध करके गया है, ताकि वो लौट करके आएगा और हमें ले करके जाएगा। और आखिरी पद में, 37वें पद में हम लोग देखते हैं, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की तो यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसा ही करें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, दया दिखाना, एक दूसरे की मदद करना, ताकि परमेश्वर जो प्रेम है उसका प्रेम हमारे अंदर दिखाई दे, हम लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और एक दूसरे की सहायता करें और कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कभी हमें से किसी को अकेला नहीं छोड़ता है।
और चाहता है कि हम लोग एक दूसरे की संगति में बने रहें, क्योंकि जैसे हम अकेले होंगे तो शैतान जो अंधेरे में छिपा हुआ है वो हम में से हर किसी को भी घात करने के लिए तैयार बैठा है कि वो हमारे वस्त्र ले जाए। परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो हमसे छीन कर ले जाए, और वो वस्त्र जब हमसे छीन जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ अपनी शर्म को छिपाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो हम बचा करके रखें, ताकि हम में परमेश्वर का प्रेम बना रहे। और हम जब आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे मध्य में बने रहेंगे और हम जीवित रहेंगे, और हम एक दूसरे की सहायता और सहयोग करेंगे तो इससे परमेश्वर का प्रेम हम में से हर एक के बीच में दिखाई देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए, आपके इस प्रकाशन के लिए पिता जो आपने दिया है। होने दे परमेश्वर पिता आपके वचन जितने लोग सुने और जितने लोग सुनेंगे उनके मन हृदय में रहे, फले फूले और आपकी महिमा के लिए बढ़े। हाँ परमेश्वर पिता, बीज बोने वाला कोई और होता है, उसे बढ़ाने वाला कोई और होता है, उसे सींचने वाला कोई और होता है और उसे काटने वाला कोई और होता है। हाँ परमेश्वर पिता, आज जो बीज बोया गया है आप ही उसे बढ़ाइए, आप ही उसे सींचिए, आप ही उसे फलवंत बनाइए, ताकि सब बातों के द्वारा आपकी महिमा हो। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और इस समय इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। अब सारी मंडली मिलकर साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 273, साक्षीवाणी गीत संख्या 273, 273। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान।
मंडली उठे। मंडली बैठे। अभी विभिन्न विषयों पर विशेष प्रार्थना की जाएगी। कलिशिया एवं सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस विशेष दिन के लिए। आपने इस महामारी में भी हमें सुरक्षित रखा है। आपके दया और अनुग्रह के कारण हम इस विशेष युवा रविवार को मना पा रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, जो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, और हमारे जितने भी मसीही भाई बहन हैं जो आपके सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए, ताकि वे आपके वचनों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। और हमारे पादरीगण एवं प्रचारकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही उनकी अगुवाई कीजिए कि वे हर एक परिस्थिति में सुसमाचार का प्रचार अच्छी रीति से करने पाएं। पिता, फिर से हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम इवाओ संडे स्कूल तथा राज्य यूथ फेलोशिप के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम आपसे सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सभी मसीह में बढ़ते जाएं। जितने जवान युवा युवती बुरी संगति में चले गए हैं, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो मोबाइल तथा नशापान से ग्रसित है, आप ही उनकी सुधि लीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए। जो पढ़ रहे हैं उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर, और जो रोजगार की तलाश में है उनके लिए आप ही आशीष के द्वार को खोलिए। संडे स्कूल के सभी कार्यों में अपनी सहभागिता दीजिए, ताकि संडे स्कूल का संचालन अच्छी रीति से होने पाए। पूरे RYF के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी युवक युवतियाँ जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं आशीषित ठहरे, और इसी रीति से चर्च के कार्यों में RYF सदस्यों के द्वारा अपनी सहभागिता देने पाए। आमीन। आइए हम विश्व शांति और कोरोना के लिए दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और विश्व शांति के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि सच्ची शांति केवल आपके पास है। शांति देने वाले खुदावन परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और इस विश्व को, इस संसार को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और दुआ करती हूँ पिता कि संसार में जितनी भी अशांति भरी पड़ी है पिता, उसे तो दूर करने में मदद करे। दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े मनमुटाव पाए जाते हैं पिता, तो उसे दूर करने में मदद करे पिता। शांति के राजकुमार, जैसे आपकी शांति नदी के समान बहती है, हर एक हृदय में बहने पाए लॉर्ड, और एक नया देश को बनाने में मदद करे। एक दूसरे पर पिता प्रेम को बरसाइए लॉर्ड, और देश देश और जाति जाति पे जो लड़ाइयाँ हैं पिता, उसे तो दूर करने में मदद करे। शांति और संबंध को स्थापित करने में मदद करे। शांति के वातावरण को बनाए रख पिता। दुष्ट अंधकार की हर एक शक्तियाँ जो इस संसार में कार्य कर रही है पिता, तो उसे दूर करने में मदद करे लॉर्ड। और पिता, हम पूरे संसार को और इस विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिसे आपने बनाया और रचा है लॉर्ड। पिता, आपका राज्य आने पाए, आपकी शांति इस संसार में
पिता प्रफैल नहीं पाए लॉर्ड, और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इस संसार को बनाया है और शांति को ला रहे हैं पिता। साथ ही साथ हम कोरोना वायरस को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं पिता, जिस साल यह वायरस फैला है पिता, तो उसे दूर करने में मदद करे। जिन जिन लोगों के शरीर में ये कोरोना वायरस पाया जा रहा है पिता, तो अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर हर एक को शुद्ध और पवित्र करे पिता, और इस कोरोना वायरस को उनके शरीर से निकाल कर बाहर करे पिता, और इस संसार से पिता आप जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को ख़त्म करेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। या दुआ या प्रार्थना हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंडली उठे, हम सारी मंडली मिलकर प्रभु की प्रार्थना को गाकर करेंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 318, साक्षीवाणी गीत संख्या 318, 318। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष दीन इन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे, आमीन।
अचयुत फेलोशिप की ओर से आप सभी को इस है हम अरविंद की ओर से सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने इस ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमें बहुत खुशी हुई कि रांची ही नहीं परंतु विभिन्न डांसेस से युवा एवं बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए और आप सभी का ड्राइंग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था और हमें विजेता का चयन करने में बहुत ही मुश्किल हुई। और अंत में फिर से सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हैं और सभी विजेताओं को बधाई देते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी विभिन्न कॉम्पिटिशन में आप इसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फिर से एक बार रांची फेलोशिप की ओर से आप सभी को इस है।